घर के अंदर ही चोर वगैरह बहुत सारे होने लगे आजकल तो, यार घर के बाहर की तो बात ही नहीं करो। हजमालो को एंजलो को सबको मैं लेके जाने वाला हूँ घर, ठीक है, अपनी गाड़ी में, और चलो निकलते हैं अब। ये देखो ओए कैप चढ़ कर लिया यार मैंने कसम से यार, एसी मतलब बहुत जोर से बारिश होने वाली है। हेलो अनिकेत सदारिया संतार काल खबर सजन सचिन सला, वेलकम टू आवर न्यू डे न्यू व्लॉग। सो गाइस कैसे आप लोग, और आज सुबह सुबह दादी और मैं इधर धूप ले निकले आए ऊपर टेरिस में। कितने दिन बजे घाम लगे आज, चार दिन बजे पूरा आपकी पूरी मतलब चार दिन मतलब मुझे ऐसे लगा कि चार महीने कसम से यार, आज जाके मस्त घाम लगी यार कसम से, इतना धूप आ रही है आज, वाह। देखो इतने दिन के बाद धूप आई, अरे जे मैं मस्त आज धूप ले रहा है बैठ के। दादी ने मस्त कपड़े वपड़े धोके पूरा सुखा दिए, ठीक है सुबह सुबह। मैं तो मतलब अपने कपड़े खुद ही धोता हूँ, ठीक है, बस कभी कभार जब मैं लेट सकता हूँ या कभी मैं बाहर होता हूँ काम से या कुछ, तो मेरी कपड़े दादी धो देती है। हमारे में तो घर में ऐसे है कि सब लोग अपने कपड़े जब टाइम मिलते खुद ही धोते हैं। घर मतलब मेरे घर में तो यार ऐसे मतलब मुझे तो बहुत इनसिक्योर फील होने लगी, ठीक है आजकल, कि मतलब यार घर के अंदर ही चोर वगैरह बहुत सारे होने लगे आजकल, तो यार घर के बाहर की तो बात ही नहीं करो, घर के अंदर ही मतलब आजकल चोर बहुत आने लगे आजकल जिंदगी में, मतलब कोई मतलब क्या चोर रहता है क्या हुआ। सो गाइस इतना इनसिक्योर फील होती कि यार अपने भाइयों के अब तो भाई बहनों में मुझे तो इनसिक्योर फील होने लगी यार, पता नहीं क्यों, क्या पता चोर निकले तो भाई। हाँ तुम लोग जैसे शरीफ तो और एक हो यार घर में, यार बस मैं ही तो हूँ चोर भी, मैं ही हूँ बदमाशी मैं ही हूँ यार। सो गाइस आंटी और अंकल भी आ गए, ठीक है, कोई गाला मत के चल <चेने गाला? laughs> हमारे घर में पता नहीं आजकल बहुत छुपी खाने लगे हम सब लोग, क्योंकि छुपी मजा आता है टाइम पास हो जाती है। सो अंकल द एज ऑलवेज हीरो, अंकल के भन्नुस् न, अंकल एउटा डायलग भन्छ नि के, अभी अंकल आंटी दादी मामा लोग सब लोग रेडी हो रहे अच्छे से, क्योंकि आज हम सब लोग टुगेदर जाएंगे उधर एक जंगल में। आप लोग को पहले की ब्लॉग में आप लोग ने तो वो जगह देख लिया होगा, अगर देखे होंगे तो वो ब्लॉग, नहीं तो आज हम फैमिली के साथ जा रहे हैं उधर। ये दादी दादी भी रेडी, अंकल आंटी मामा लोग सब लोग रेडी, अन्ना भी आ रहे हैं, सब लोग रेडी, लेट्स गो। एंदे हिजो मैले बाइक स्कूट धोएर कस्तो टलका टलका छ। सो गाइस मामा और आंटी दादी लोग सब लोग गाड़ी में जा रहे हैं और हम लोग अपनी स्कूटी में, दोनों भाइयों चलो निकलते हैं अब। सो गाइस यार फाइनली हम तो पहुंच गए, स्कूटी में इतना मुश्किल हुई कसम से यार, पता नहीं अंकल लोग गाड़ी में कैसे आएंगे यार, आप लोग ने रास्ता तो देखी होगी यार अभी, कसम से यार इतना बुरी रास्ता, इतना बुरा रास्ता यार कसम से यार, इतना बुरी रास्ते से आने के बाद ये जो देखोगे ना आप लोग इधर से मतलब ऐसे व्यू देखते यार पूरा मतलब काठमांडू की, और इस साइड से भी पूरा काठमांडू की व्यू दिखेगी, अभी तो ये है ना इसलिए नहीं दिखती, उधर से दिखेगी। सो बस वेट कर रहे यार अंकल आंटी और मामा लोगों की, देखते कब तक पहुंचेंगे, हम तो बहुत आगे आ गए यार, और इतनी बुरी रास्ते थी। मामा लोग और दादी लोग सब लोग पीछे चल चल के आ रहे कुसुम वगैरह, और अंकल और अभी अंकल और अन मामा गाड़ी में आ रहे, पार्किंग ही नहीं है इधर, पूरा फुल आज प्याक है। सो गाइज ये रहे, ठीक है ये रास्ता, ये जगह तो आप लोग को पता ही होगी, और इधर मामा लोग सब लोग बैठे, ये लोग मतलब आते इधर लाली ब्रस सीधा, हजुर मा वो टीचर हजमा इधर गाइड कर रहे सबके, ऐसे ऐसे टिफिन जाए बोल के, गुरास के हंटिंग हो रही है गाइज, और इधर से ऑडियंस लगे इधर ऊपर, हर इधर ही ग्रास की पूरा अंकल की हालत देखो उधर का, इस कैसे अंकल उधर लाली ग्रास ले रहे बच्चों के लिए, क्यों रे क्यों रे हम ओके, और से इसलिए कुसुम की चश्मा देखो गाइस यार, ओ माय गॉड, ओ दूसरी मॉडल हमारी अचम की। सो गाइस क्या मस्त सीन है ना गाइस, आप लोग देख सकते हो यार मेरे पीछे, इतना मस्त जगह है, इतना मस्त जगह है कि इतना मतलब मस्त तरीके से यार इंसान की मतलब माइंड फ्रेश हो जाती है इधर। आप लोग भी अपनी फैमिली के साथ आइए ऐसी ऐसी जगह। सो अभी तक भी किसी भी इधर फोटोशूट अभी तक खत्म नहीं हुई यार, सब लोग इधर फोटोशूट ही करते रहे, और अलमा इधर आके मेन्यू देख रहे पूरा मस्त खाना के लिए। सो गाइज फाइनली खत्म हो गई है, ठीक है सके तो कुछ फोटो खींचे रहा आंटी के सके, फोटो खींचे सके अब बल्ला फोटो खींचे, बहुत मजा आया, गुलाबी
पूरे कलर का पूरा वो रुचि नमस्ते बहुत मजा है सर खिचू मेरे 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 तो गाइस मस्त मैं तो कुक पी रहा हूँ इधर बैठ के और मामा लोग इधर मस्त मामा मामा खा रहे और दादी आंटी और अभी मैं उधर लाली गुरस खा रहे और कुसुमर एंजल खा दे एंजल खाई तुला ये चीज खाई सके कुसुम को देखो गाइस अरे एंजल को देने के लिए बोला था यार तू क्यों खा रहे लो लो एंजल इधर सुनो ओ पापा पापा की परी अंकल मीठो सा मामा मीठ सा कुसुमहरूले त 60 रुपियाँको चटपट लिएर आएको छ 60 कति गरे चटपटे 60 को एन्जल खाइस त मा कस्तो छ टेस्ट हामी पनि खाऊँ न कस्तो रहेछ खासै मिठो छ नखाऊ सो गाइस पनीर पकौडा आ गए मेरी सो गाइस मस्त हमने यार नाश्ता वास्ता कर लिया यार आज तो मतलब खाना ही नहीं खाई थी मैंने आज सीधा इधर आके मैंने खाने खाना खाया देखो अभी इसमें कहाँ चढ़ के बैठे यार ये कौन सा यार अरे लोग अब हम निकलने वाले इधर से मामा दादी फिर अलमारा अंकल फिर सब हम इधर से निकलने वाले गाइस ठीक है मस्त मजा आ गई ए कहाँ जान लाग्यो पप्पी खेल्नु है टोक्ला नि फेरि टोक्ला कस्तो लाग्यो त एन्जल होस्टेलबाट धेरै पछि यसरी घुम्न आएर हाम्रो एन्जल बहिनी चाहिँ होस्टेल बसै गाई जानु अनि त्यो उसले धेरै घुम्न पाउँदैन बाहिरतिर अनि यस्तै त्यही बेला कहिले फ्यामिलीसँग हो होइन हजुर हजमालोको एन्जलोको सबको मिलेकै जानेवाला हो घर ठिकै आफ्नै गाडीमा चलो निकल्दै अब काश मैं ऐसा कह सकता यार जिंदगी में मेरी भी एक अपनी गाड़ी होती सपना सपने रहे हजुर तर के छैन हजुर हजुरको नातिले एक दिन यो सपनालाई विपना बनाउँछ हो कि होइन हजुर एक दिन विपना बनाउँछ यस्तै अनि जा रहे हमारे अपनी गाड़ी पे पूरा लॉन्ग ड्राइव आज फैमिली के साथ और देख सकते हैं आप लोग मेरे पीछे दादी और सब लोग हमारे फैमिली बैठे बोल के ऐसे जाएंगे मस्त पूरा चलाऊंगा भाई ल हामी स्कुटीमा है त हजुर आफ्नो गाडी आइसक्यो हाम्रो यही स्कुटीमा मस्त सिधा अब घर घर पछि आप लोगको मिल्थे इस तरह की मतलब रास्ते तो आप लोगों को पता ही है पहले की क्लिप में देख लिया होगा आप लोगों ने बहुत खतरनाक रास्ते यार तो चलो निकलते घर के लिए ओके गाइस घर जाके आप लोगों को मिलते अब सीधा सो गाइस हम घर पर पहुंच गए मस्त तरीके से अजमेता हुन्छ कुसुमेता हुन्छ अविस्मेता हुन्छ सो अविस्मामा इधर मतलब ये मटर कोसा निकाल रहे थे तो इधर देखिए इसमें मतलब कीड़े यार कीड़े सो गाइस आप लोग भी जब भी मतलब मटर कोसा वगैरह सब कुछ अच्छे से मतलब केला के उसको देख के उसके बाद ही खाना गाइस हमारे इधर खाना भी बन रहे मस्त कुसुम इधर चिकन विकन बना रही और मेरे लिए इधर साग बनने के लिए तैयारी हो रही और कुसुम आज फोन क्या होगी कुसुम को क्यों तेरे फोन बन रहे मान चला तो कुसुम की मतलब फोन बिगड़ गई है ठीक है इस तो आज बहुत सेंटी में बैठी है और वो बनने के लिए 1500 लगेगी बोल के उसको मतलब हार्ट अटैक आ गई है 1500 कहाँ से लेंगी ये वो बोल के तो मैंने बोला टेंशन मत ले तेरे दाई के पास लोन देने वाले बहुत सारे हैं तो मेरी फर्स्ट लोन देने वाले हमारे बैंक दादी को मैंने मांग के दे दिया और गाइस यार मतलब यार मौसम की हाल बहुत बेहाल हो रही है ठीक है गाइस बहुत डेंजरी बारिश होने लगी है ऐसे लग रही है मुझे इतना तेज तेज तूफानी हवा चल रही है यार खिड़की विड़की सब कट कट तो दिखाता हूँ आप लोगों को दुख रुके ये देखो ओए कैप्चर कर लिया यार मैंने कसम से यार ऐसी मतलब बहुत जोर से बारिश होने वाली गाइस और तेज तेज इतना हवा चल रही है ठीक है इतना हवा चल रही है कसम से ठंडी ठंडी हवा चल रही है ये खिड़की विड़की सब देखो ऐसे 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 पूरा मतलब हिला रहे यार खिड़की भी सो गाइज यार बहुत डेंजर बारिश हो गई ठीक है और हमारे घर की लाइट भी चली गई यार देखो यार इतना डेंजर बारिश हो रही है कसम से बाहर से यार आवाज सुन सकते आप लोग ओए डेंजर बारिश हो रही है कसम से ओके गाइज सो यार लाइट वाइट आ गई है रात की 12 बजे लाइट आई और मैं नींद से उठ के इधर ब्लॉग एडिट करने के लिए आया हूँ ठीक है सो सब कुछ एक्सपर्ट हो चुके आप लोग देख सकते हो इधर ठीक है एंड वही थी गाइज की आज के लिए बस इतना ही और खाना वाना भी मस्त हो गई और जो डोनेशन की काम थी गाइज सो डोनेशन के लिए प्लीज आई वांट ईच एंड एवरीवन टू बी एक्टिव आवर जनता ठीक है आवर जनता एंड ईच एंड एवरीवन जो भी है जिसको भी कंट्रीब्यूट करने की दिल हो इससे ये ब्लॉग से भी पहले की जो ब्लॉग थी उसमें भी हमने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में और इस ब्लॉग की भी डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो उसमें भी हम डाल देंगे बैंक अकाउंट से लेकर सब कुछ इस यू आर सो प्लीज एवरीवन बी एक्टिव और प्लीज कंट्रीब्यूट एज मच एज यू कैन सो गाइज आज के लिए बस इतना ही होप यू लाइक द ब्लॉग अगर ब्लॉग पसंद आई हो तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब बटन पहले बल कर दीजिएगा एंड सी यू ऑल इन नेक्स्ट ब्लॉग बाय बाय टेक केयर ऑफ योरसेल्फ गुड नाइट
इधर अंकल और मामा की फोटो शूट हो रही है, ठीक है। पोज चेक करो यार, पोज। ये खुद